हाय गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स। मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ 42 साइज ब्लाउज स्टिचिंग। ऑलरेडी इसका कटिंग वीडियो मैंने डाला है, वो ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, क्लिक करके चेक कर लो। ये मेन ब्लाउज है, मेन ब्लाउज के ऊपर मैंने अस्तर रखा है और अस्तर कैसा रखना है आपको मैं बताती। देखो इधर बॉर्डर आ रहा है, मैं कैसा सिलने वाली हूँ इसको अभी नेक से सिलाई करके पीछे से टर्न करके सिलने वाली हूँ। इसलिए मेन कपड़ा आपको कैसा है उस हिसाब से पैटर्न आगे होना चाहिए, उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा डाल के अभी पहला नेक सिलाई करने के बाद बाकी सब सिलाई करना है। अभी ये सिलके होने के बाद इसको कट करके निकाल दो। ये लगाया हुआ टाचनी सबको निकाल के इसको पीछे से टर्न करके डाल के सिलाई करना है। इसके ऊपर आपको चाहिए तो आप और एक सिलाई भी लगा सकते हो। आपको टेलरिंग का मटेरियल चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उधर जाके क्लिक करके चेक करके ले लो। गला सिलाई करके होने के बाद ये पूरा साइड वाला पैक करके सिलाई कर दो। ये देखो ये पूरा सिलाई करके हो गया। अभी नीचे से आपको फोल्डिंग करके सिलाई करना है। मिडिल से लाइन ले लो, मिडिल से लाइन लेके उसमें फोल्ड करो। आपको बराबर नहीं बैठेगा तो टाचनी भी लगा सकते हो। इधर देखो मैं टाचनी लगा के सिलाई करने वाली हूँ। मिडिल से पहला टाचनी लगा दिया, अभी ये वाला कॉर्नर से भी टाचनी लगाना है, फिर वो साइड का कॉर्नर के भी टच नहीं लगा था। टच नहीं लगा के होने के बाद सिलाई मारना शुरुआत करो और सिलाई मारने समय थोड़ा कपड़ा खींच खींच के सिलाई मारो। देखो बताते हो कैसे सिलना है इधर के। ये देखो आपको ऐसे ही खींचना है, ऐसा खींचेगा तो ये आपको पीछे बराबर दिखेगा, नहीं तो ऊपर थोड़ा उठ के दिखेगा, इसकी वजह से खींचना पड़ेगा।
ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसे आपको दिखेगा। अभी सेम वैसे ही फ्रंट वाला भी सिलना है। अच्छा वाला कपड़े के ऊपर अस्तर वाला कपड़ा रख के गला को सिलाई करके पीछे टर्न करके गला को सिलाई मारना है। अभी इसको कट करके निकाल देना है। पीछे टर्न करके डालने के बाद सिलाई करना है। गला सिल के होने के बाद बाकी सब जगह ऐसा सिलाई करके पैक कर। अभी सेम वैसे ही ये साइड को भी सिलते आ जाओ, वैसे ही इसको भी सिलाई करना है। फ्रंट वाला पार्ट पूरा हो गया। अभी क्रॉस पट्टी सिलाई करना है। क्रॉस पट्टी सिलाई करने के लिए सेम वैसे ही आपको मेन कपड़े के ऊपर अस्तर कपड़ा रख के फिर सिलने के बाद पीछे से टर्न करके लेना है। ये देखो बताती हूँ, फ्रंट वाले के ऊपर मैंने अस्तर वाला कपड़ा रखा है। धागा आपको बचाना रहेगा तो मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ वही यूज करो। ये देखो यही धागा से मैंने धागा निकाला नहीं, कपड़ा के साथ ही ये वाला अपोजिट वाला भी रख के उसको भी सिला के लिख के आती हूँ। ये सिल के होने के बाद इसको पीछे से टर्न करके लेके सिलाई करना है। देखो ये पूरा सिलाई करके होने के बाद इसको भी पैक कर दो ऐसे ही। दूसरा साइड क्रॉस पट्टी को भी सेम वैसे ही सिलाई करना है। आपको इनविजिबल क्रॉस पट्टी सिलाई करना है तो उसका वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, क्लिक करके चेक कर लो। आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे नीचे जरूर कमेंट करो।
मेरा वीडियो स्किप मत करो, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शन देते रहेगी। यही मेथड में ब्लाउज सिलाई करके मुझे नीचे जरूर कमेंट करो आपको फिटिंग वगैरह कैसा आया। अगर अभी फ्रंट कपड़ा में आपको टक्स लेना है। टक्स लेने के लिए फ्रंट वाला कपड़ा ऐसा मिडिल में फोल्ड करके इसमें नीचे से आपको 2 इंच लेके 2 इंच में मार्क करो। ये क्रॉस में रख के इसमें 1 इंच मार्क करना है। अब इसको ट्रायंगल शेप देके लाइन मार दो, इसके ऊपर ही सिलाई कर दो। ये टक्स होने के बाद आपको साइड में इस टक्स लेना है। बटन पट्टी लगाते ना वो साइड में, इसको भी बराबर मिडिल में फोल्ड करके 2.5 इंच मार्क करना है। ये 2.5 इंच मार्क करने के बाद इसको 1/2 इंच में रख के सिलाना है, आधा इंच में नहीं, एकदम 1/2 इंच में रख के सिलाई करके 2.5 तक छोड़ दो। मिडिल लाइन से ऐसा इसको क्रॉस में पकड़ के इसमें से आपको क्या करना है, 2 इंच मार्क करना है। आपने ऑलरेडी फ्रंट के लिए सिलाई मार के रखा ना, उधर से आपको 2 इंच छोड़ के मार्क करके अभी ये लाइन से आपको 1/2 इंच मार्क करना है ऊपर की तरफ। इसको ऐसे ही सिलाई कर दो। अभी नीचे की साइड से टक्स लेना है। नीचे की साइड से एक कॉर्नर से 2 इंच मार्क करो। एक कॉर्नर से 2 इंच मार्क करके ये टेप को थोड़ा क्रॉस में रख के इसको अभी मार्क करना है 6 इंच। 6 इंच मार्क करके एक लाइन दे दो, इसमें भी 1/2 इंच आपको सिलाई करना है। ये देखो चारों साइड से टक्स हो गया। देखो ऊपर की साइड से भी हो गया, क्रॉस साइड भी हो गया और नीचे से भी हो गया। अभी योग पट्टी सिलाई करना है। योग पट्टी का शेप देख लो, उसी हिसाब से रख के अभी सिलाई करो। हो गया अभी योग पट्टी सिल के। अभी हमको बटन पट्टी सिलना है। अभी बटन पट्टी सिलने के लिए ऊपर से ऐसा एक फोल्ड कर दो। फोल्ड करके उसको नीचे साइड से आपको लगाना है। ये देखो मैं कैसे लगाती हूँ, वैसे लगाना है। नीचे से रख के ब्लाउज को ऊपर तक सिल के रखियो। अभी ये सिल्के होने के बाद पीछे साइड से ओपन करके पहला ऐसा एक फोल्ड करो, फिर उसको ही और एक फोल्ड करो। मतलब 2 फोल्ड आना चाहिए, तभी जाके बटन पट्टी एकदम परफेक्ट और फिटिंग भी बैठेगा। अब इसको ये वाली साइड से सिलाई करके लेके आओ। अभी इसको ऐसे टर्न करके सिलते लेके आओ। अभी इसको पैक नहीं करना है, बीच में से सिलाई मार के लिख के आओ। ये बीच में से क्यों सिलाई मारना है आपको बताती हूँ।
अभी ये सिलके होने के बाद ऊपर वाला एक्स्ट्रा पीस को थोड़ा ऐसा एक फोल्ड करके उसको अंदर से ऐसा पैक करके सिलाई मार दो। अभी वापस नीचे साइड से आपको बराबर ट्रायंगल शेप में लेके आना है, पहला ये साइड से, फिर ये साइड से ट्रायंगल शेप में लेके आना है। देखो मैं कैसे लेके आ रही हूँ वैसे ही। फिर बाद में थोड़ा ऊपर सीधा सिलाई मारो, वापस आपको सेम वैसे ही ये साइड से थोड़ा ट्रायंगल शेप मतलब क्रॉस में सिलाई करो, फिर वापस टर्न करके ये साइड से सिलाई मारो। ऐसे ही सेम आपको कंटिन्यू करते आना है। आपको कितना हुक लगाते हो उसी हिसाब से इसको काउंट करके लगा दो। आई लगाने समय आप हाथ से लगाते हो, ऐसे ही ब्लाउज में बना देगा तो आपको हाथ से लगाने का जरूरी नहीं है। अभी पूरा आई पट्टी हो गया। अभी इसको ऐसा मोड़ के मैं गला तक पूरा सिलाई करके लेके आ गई। ऑपोजिट सेट में अभी आपको हुक पट्टी लगाना है। ये आई पट्टी हो गया, अभी हुक पट्टी के लिए देखेंगे कैसा लगाना है करके। सेम वैसे ही ऊपर से दो फोल्ड करके ले लो, फिर इसको ब्लाउज को सीधा डाल के उसको आप नीचे से पूरा सिलाई करके लेके आके आगे टर्न करना है। देखो आपको बताती हूँ, मेरा ब्लाउज सीधा ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर अभी मैं हुक पट्टी लगाती हूँ। अब इसको ऐसे ही सीधा सिलाई करके आ जाओ। आपका फ्रेंड्स या आपका रिलेटिव्स कोई ऐसा सिलाई में उन लोग सीख रहे हैं, उनको इंटरेस्ट है, तो मेरा चैनल उनको रिकमेंडेशन करो, मेरा वीडियो शेयर करो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शंस और टिप्स भी देते जाएगी। ब्लाउज को अभी पलटी करो, पलटी करके बराबर पट्टी के ऊपर सिलाई लेके आना है, ब्लाउज में नहीं आना चाहिए, पट्टी के ऊपर कॉर्नर पे सिलते लेके आओ। अभी इसको सिल के होने के बाद वापस आपको ब्लाउज को पलटी करना है। पलटी करके इसको सिर्फ एक ही फोल्ड करना है, पहला वाला पट्टी का दो फोल्ड किया, ये वाला पट्टी को सिर्फ एक ही फोल्ड करना है, एक ही फोल्ड करके सिलना है। ये देखो सिल के हो गए, ऐसे ही सिलाई करना है। अभी शोल्डर को अटैच करना है। दोनों साइड से शोल्डर अटैच करके होने के बाद अभी स्लीव्स ज्वाइन करना है। फ्रंट का स्लीव्स आपको अलग से दिखेगा, क्योंकि फ्रंट में हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा काटते हैं, इसमें मैं लिख भी देती हूँ। देखो ये फ्रंट, अभी ब्लाउज का फ्रंट मतलब स्लीव्स का फ्रंट और ब्लाउज का फ्रंट दोनों साथ में रख के आपको सिलाई करना है। मिडिल से पकड़ो, मिडिल से पकड़ के ऐसे हाथ से पकड़ते पकड़ते खींचते लेके आओ, किधर तक वो स्लीव्स आ रहे हैं उधर से आपको सिलाई करना है। देखो ऐसे आपको स्लीव्स अटैच करना रहता है, ऐसे ही दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर दो, क्योंकि अलग अलग में बताएगा तो और भी वीडियो ज्यादा लेंथ जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक साइड का ही बताती हूँ, ताकि आप दूसरा साइड भी वैसे ही कर सकते हो। ये देखो दोनों साइड स्लीव्स अटैच हो गया, हमारा पूरा ब्लाउज में अभी फिटिंग ही बाकी है।
फिटिंग करने के लिए देखो आपको कैसा करना है। हाथ और हाथ ये दोनों सीधा रख के देखो, और आपको पहला कॉर्नर वाला ही सिलाई मारना है। पहला आपको फिटिंग का सिलाई नहीं मारना है, कॉर्नर वाला सिलाई करके पैक करने के बाद ही फिटिंग वाला सिलाई आपको करना है। ये साइड का कॉर्नर का सिलाई हो गया, अभी ऐसे ही वो साइड का भी कॉर्नर का सिलाई करना है। दोनों साइड सिलाई करके होने के बाद अभी फिटिंग करना है। ऐसे ही ब्लाउज को खींच के सीधा एकदम सीधा डाल के अभी देखना है आपको फिटिंग का लाइन किधर से आ रहा है करके। फिटिंग के लिए पहला आपको हर टाइम हिप का ही पहला देखना है। ये देखो कमर का पहला देखो। हमारा कमर का साइज 36 था, 36 से आपको 4 से डिवाइड करके लेगा तो आपको 9 इंच आएगा। ये 9 इंच आपको कमर में मार्क करना है। ये आई पट्टी है, आई पट्टी से मार्क करो 9 इंच। ये साइड भी आपको ऐसे 9 इंच मार्क करना है, बट ये आपको आई पट्टी है इसलिए वो आई पट्टी छोड़ के आई पट्टी से एक्स्ट्रा आपको लेके 9 इंच में मार्क करना है। आई पट्टी नहीं काउंट करना है, सिर्फ आई पट्टी को छोड़ के 9 इंच मार्क करना है। अभी आपको माप लेना है छाती पे, देखो छाती पे कैसा मार्क कर रहे हैं। हमारा 42 है, 42 को 4 से डिवाइड करेगा तो आपको आएगा 10.5। अभी ये 10.5 कैसा मार्क करना है आपको बताती हूँ। ये देखो ये भी सेम आपका वो आई पट्टी है, ये आई छोड़ के आई पट्टी छोड़ के आपको 10.5 खींच के मार्क करना है। अभी मार्क करना है हाथ पे, हाथ को आपको लेना है 7 इंच मार्क करो। हमारा टोटल हाथ का राउंड था 14 इंच, उसको हम 2 से डिवाइड करके 7 इंच में मार्क कर रहे हैं। अभी हुक पट्टी का छाती का माप करना है। हुक पट्टी के लिए पूरा पट्टी तक खींच के ले लो, क्योंकि ये हुक पट्टी है इसलिए पट्टी को छोड़ना नहीं, आपको पूरा पट्टी लेके 10.5 में मार्क करना है। हाथ को आपको 7 में मार्क करना है, 7 इंच में मार्क करना है। अभी हम किधर किधर मार्क करके रखा वो पूरा लाइन को स्केल से खींचो, देखो आपको एकदम परफेक्ट आएगा। Thank you.
हो गया हमारा 42 साइज का ब्लाउज सिलाई। ऐसे ही सिलाई करो, आपको भी एकदम परफेक्ट आएगा। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे नीचे जरूर कमेंट करो। ये वीडियो का आपको कटिंग चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रही हूँ, वो क्लिक करके चेक कर लो, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे रही हूँ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कनेक्ट विथ BS डिजाइनर। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।